गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुड़ियाणी। आज हम करेंगे साइंस सिक्स क्लास का थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर का नेम है प्लेइंग विद नंबर। यहाँ पर हम इस लेक्चर में करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3D। 3D एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट है उनको रीड या अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट अपना टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। इफ ए नंबर इज ए डिवाइजर ऑफ सेकेंड नंबर, यानी एक नंबर है जो सेकेंड नंबर का क्या है, डिवाइजर है, देन द सेकेंड नंबर इज डिविजिबल बाई किससे होगा, फर्स्ट से। यानी वो सेकेंड नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट से। तो डिविजिबिलिटी बाई टू, यानी टू के लिए है क्या कंडीशन है हमारी, ए नंबर इज डिविजिबल बाई टू, यानी किससे होना चाहिए, टू से। इफ इट्स यूनिट्स डिजिट आर क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड क्या होना चाहिए, 8। यानी कब डिवाइड होगा वो उससे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो एंड 6 हो एंड 8 हो, तो वो किससे, 2 से क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। सेकेंड नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी 3 से कब डिवाइड होगा, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसे डिविजिबल बाई 3 होगा, तो ये हमारे पास मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर 384, ये हमने क्या लिया, डिजिट लिए। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, 3 + 8 + 4 इनका एडिशन करेंगे, तो एडिशन करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 + 3 = 15। 15 क्या है, 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 384 किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। यानी इस टाइप से हम डिविजिबिलिटी बाई 3 टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अपना डिविजिबिलिटी बाई 5। ए नंबर इज डिविजिबल बाई किससे है, 5 से। इफ इट्स यूनिट डिजिट इज क्या होनी चाहिए, 0 या 5, यानी नंबर की यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या 5 हो, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। जैसे फॉर एग्जाम्पल 205 एंड 100, 1000 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 9, यानी 9 से कब डिवाइड होगा कोई नंबर, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। यानी जैसे हमने थर्ड में क्या था, जो थर्ड से डिवाइड हो रहा था वही पैटर्न यहाँ पर है। तो इसका जो हमने एग्जांपल लिया है वो है 7326। अब इसको क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे इनका, 7 + 3 + 2 + 6। 7 + 3 कितना हो गया, 10, 10 में 2, 12 + 6 कितना आ जाएगा, 18। 18 क्या है, डिवाइड किससे हो जाएगा, 9 से। यानी डिविजिबल बाई किससे हो जाएगा, ये 9 से। नेक्स्ट अपना डिविजिबिलिटी बाई 10। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0। यानी जो अपनी जो भी नंबर गिवन है उसकी यूनिट प्लेस पे अपनी क्या होनी चाहिए, 0, तभी वो डिविजिबल बाई क्या होगा, 10 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100, 200 एंड 210। डिविजिबिलिटी बाई 11। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स इवन प्लेसेस, ऑड एंड इवन प्लेसेस इज आइदर 0 या डिविजिबल बाई 11। यानी किस टाइप से होना चाहिए, कि उनके ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका सम, और जो इवन प्लेस पे है उनका सम, और उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। तो इसका करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल लिया हमने 3465, तो कैसे करेंगे, इसके ऑड प्लेस पे क्या है, ऑड प्लेस लिखेंगे, इवन प्लेस लिखेंगे, और यहां पर डिफरेंस, तो ओड यहां से जो वंस स्टार्ट हो रहा है वहां से करेंगे, वंस ओड है, यानी 1
यहां पर टू, यहां पर थ्री, यहां पर फोर, वन और थ्री की प्लेस यानी फाइव प्लस फोर. नेक्स्ट थ्री प्लस सिक्स, अब इनको ऐड करें तो नाइन, इसको ऐड करें तो नाइन, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया जीरो. तो दिस नंबर क्या होगा डिविजिबल बाय इलेवन. नेक्स्ट अपना डिविजिबिलिटी बाय फोर, ए नंबर इज डिविजिबल बाय फोर इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स, इट्स क्या इन क्या होगा डिजिट जो होगी इन टेंस एंड यूनिट्स प्लेस इज क्या हो डिविजिबल बाय आई फोर. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 80,372, इसने क्या बोला है कि जो टेंस की प्लेस वैल्यू है यूनिट की प्लेस वैल्यू वो किस डिविजिबल बाय फोर. तो इसकी ये टेन की प्लेस वैल्यू है सेवन और वन की प्लेस वैल्यू है टू. अब इसको हम फोर से डिवाइड करें तो ये पूरा क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है वन और यहां पर एटीन. यानी इस टाइप से हम क्या करेंगे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय फोर. नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना डिविजिबिलिटी बाय सिक्स, ए नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स इफ इट्स इज डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री, इफ should be an even number and the sum of each digit should be divisible by 3. यानी इसमें जो 6 की divisibility test है उसमें 2 की भी condition लगेगी और 3 की भी condition लगेगी. तो इसको हम example के through understanding करते हैं. example लिया 68,370. अब ये even number है क्योंकि 2 से divide हो रहा है और क्या लिखेंगे इवन नंबर. अब थ्री के लिए हम इसको टेस्ट करेंगे तो थ्री के लिए टेस्ट कैसे करेंगे, सिक्स प्लस एट प्लस थ्री प्लस सेवन प्लस जीरो, सेवन प्लस थ्री टेन प्लस एट कितना हो जाएगा एटी प्लस सिक्स कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर. ट्वेंटी फोर किससे डिवाइड होता है थ्री से यानी डिविजिबल बाय क्या होगी थ्री. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ सिक्स किस पे डिपेंड होगी टू एंड थ्री पे. जो नंबर टू और थ्री से डिवाइड होगा वही नंबर सिक्स से डिवाइड होगा. डिविजिबिलिटी बाय एट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय एट इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट द हंड्रेड टेंस एंड यूनिट्स प्लेस इज डिविजिबल बाय एट. यानी जो कंडीशन है डिविजिबिलिटी एट के लिए तो उसकी हंड्रेड टेंस और यूनिट के प्लेस वैल्यू पे जो नंबर आएगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए एट से. तो हमने यहां पर एग्जांपल लिया 27,608, यहां पर हम टेंस और वंस की और हंड्रेड की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो सिक्स सिक्स हंड्रेड एट है. अगर हम इसको एट से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता है सेवन जा पे कितना आता है फिफ्टी सिक्स, कितना बचेगा फोर, तो यहां पर आ जाएगा सिक्स. यानी जो अपनी टेन और वंस और हंड्रेड की जो प्लेस वैल्यू की जो हमने नंबर लिया वो एट से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. तो ये नंबर जो दिस नंबर है वो क्या है कंप्लीट एट से डिवाइड होगा. नेक्स्ट है अपना डिविजिबिलिटी बाय 25, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट द टेंस एंड वन यानी यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय क्या हो 25. फॉर एग्जांपल 8750, इसकी टेंस की और वंस की प्लेस वैल्यू पे क्या है 50, जो 25 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है. सेकंड है 5025, तो 25 ही 25 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है. यहां पर अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं. अब करेंगे हम एक्सरसाइज.
अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है पुट ए, यानी यहाँ पर हमें राइट का मार्क करना है फॉर द डिविजिबल बाई, एंड एक क्रॉस का मार्क करना है हमें फॉर नॉट डिविजिबल, यानी जो नंबर हमारे पास गिवन है वो यानी यहाँ पर अपने पास नंबर गिवन है इन 2, 3, 4, 5, 6, 8 से हमें ये पता करना है कि ये नंबर इनसे डिविजिबल बाई है या नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 168, तो ये किस किस से डिविजिबल बाई है, तो यानी ये इवन नंबर है 2 से होगा। 3 के लिए क्या था, 3 के लिए कंडीशन थी 1 + 6 + 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 + 15, ये क्या है 3 से भी है। 4 के लिए क्या थी, यहाँ पर अगर ये 4 के लिए अगर हम कंडीशन करें तो 4 के लिए था कि अपनी टेंस और वंस की प्लेस वैल्यू को डिवाइड करें, तो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ये देखते हैं। तो ये 4 से भी हो गया, ये 5 से नहीं होगा, ये 6 से हो जाएगा और ये 8 से भी हो जाएगा, 9 से देखते हैं। 9 की क्या थी अपनी कंडीशन, यानी जो 3 की कंडीशन थी वही क्या थी अपनी 9 की, लेकिन ये 9 से नहीं होगा। 9 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। ये नेक्स्ट नंबर है 275, यानी क्या है ओड है, ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, और 3 के अगर हम चेक करना चाहें तो 3 से 2 + 7 + 5 12 + 2 = 14, 14 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5 से हो जाएगा। जब 2 और 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा, 4 से और 2 से नहीं हुआ तो 8 से भी नहीं होगा, और ये 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, सिर्फ 11 से होगा। नेक्स्ट है अपना 8370, तो ये किसे इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा। 3 की कंडीशन हम इसकी चेक करते हैं, 8 + 3 + 7 + 0 = 10 = 18, यानी ये 3 से भी हो जाएगा। 4 की करते हैं 70, ये 4 से नहीं हो रहा, 5 से हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, जब 2 और किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। 8 के लिए क्या था अपना 370, इसको 8 से अगर हम डिवाइड करें तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। 9 के लिए भी कंडीशन वही है कि अपनी 89 से हो जाएगा, ये 10 से हो जाएगा और 11 से नहीं होगा। इस टाइप से हमें क्या करना है, अपने जो भी इसके बच गए पार्ट वो आपको ट्राई योर सेल्फ है, यानी इस तरह से हमें क्या अपने टेस्ट जो भी गिवन है उनको रीड करते हुए इन नंबरों को हमें बताना है कि किस किस डिविजिबल है या नहीं है। क्वेश्चन सेकंड, टेस्ट डिविजिबिलिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 and 8, यानी किसके लिए टेस्ट करनी है हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 and 8 के लिए। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट गिवन है अपना 6000, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम जो भी टेस्ट है जिसकी हमसे पूछा है पहले हम उसकी जो फॉर्म गिवन है उसको लिखेंगे, उसके भी यहाँ पे हम बताएंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई है या नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमने लिखी है 4 की डिविजिबिलिटी और सेकंड में हमने लिखी है डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करें कि हेयर द नंबर फॉर्म, यानी नंबर किस फॉर्म में गिवन है, By the digit at the tens and unit places, that is a 0 0 है, divisible by 4। कैसे है, अगर हम 0 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है अपना 0 आता है quotient, और remainder भी 0 आता है। तो ये क्या कहेंगे हम, the number 6000 is divisible by 4। नेक्स्ट, हेयर द नंबर फॉर्म्ड बाई डिजिट एट द 100, 10 and unit प्लेस, दैट इज ए कितना है 3 0 है, तो 3 0 / 8 करें तो क्या आ जाएगा 0,
इज क्या है डिविजिबल बाय 8, सो 6000 इज डिविजिबल बाय 8। यानी इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पर मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है, सेकंड का सेकंड पार्ट 41,084। ये हमें बताना है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या 8 से डिवाइड हो रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इस सॉल्यूशन का हम स्टार्ट करें हैं। हेयर द नंबर फॉर्म By the digit at the tens and one यानी unit place which क्या है इसकी 84 is divisible by 4. So the number कितना क्या है अपना 41,084 is क्या divisible by 4 हो जाएगा। Here the number form by digit at the 100 tens and unit place पे क्या है अपना 084 is क्या है not divisible by 8, यानी ये अपना number 8 से divide नहीं हो रहा। करके देखते हैं, 1 और ये 4 complete divide नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे so 41,084 is not divisible by 8। यहां पर अपना सेकंड पार्ट क्या होता है कंप्लीट होता है, इसके टू पार्ट बच जाते हैं, वो आपके लिए ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन थर्ड, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ, यानी क्वेश्चन थर्ड के थ्री पार्ट गिवन है, उसमें हमें चेक करना है कि वो जो नंबर गिवन है उससे वो डिविजिबल है या नहीं है। तो यहां पर गिवन है हमारे पास 6,125, 50,105 and 32,950 by किसे है 25 से। तो यहां पर हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 25 का क्या है, उसके बिहार पे इन नंबरों को हम क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन सा नंबर 25 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं द गिवन नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट द टेंस एंड यूनिट प्लेसेस आर क्या डिविजिबल बाय 25, सो 6125 के टेंस और वंस के प्लेस वैल्यू क्या है 25, ये 25 से क्या हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना 32,950, इसकी भी टेंस और वंस की प्लेस वैल्यू है 50, तो 50 भी 25 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 25। बट 50,105 इज नॉट डिविजिबल बाय 25 नहीं है, बिकॉज टेंस एंड यूनिट प्लेसेस भी क्या है इसके 0 एंड 5 is not visible by 25। यानी इस टाइप से हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो भी टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट को अपने माइंड में रखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके थ्री पार्ट है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कराया है, सेकंड और थर्ड पार्ट आपको ट्राई करना है। जो सॉल्यूशन का पैटर्न है वो सेम है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया सेम पैटर्न यही रहेगा। क्वेश्चन फोर्थ, रिप्लेस द स्टार, यानी यहाँ पर जो स्टार का नोटेशन गिवन है बाय द स्मॉलेस्ट नंबर शो डेट, यानी स्टार के जो भी क्वेश्चन में स्टार गिवन है उसके प्लेस में हमें कोई नंबर रिप्लेस करना है डिविजिबल बाय जो भी नंबर गिवन है उससे हो जाए। तो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 7, 8, 9, 6, 4 मे बी डिविजिबल बाय 9। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9 इफ, इस नंबर का क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे 7 + 8 + *+9 + 6 + 4 इज डिविजिबल बाय 9, यानी 9 होगा तो इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 + इज डिविजिबल बाय 9। तो इस स्टार के जो प्लेस वैल्यू है उस पर हम ऐसा नंबर पुट करेंगे
जो किससे डिविजिबल हो जाए, 9 से। तो 34 प्लस अगर हम क्या कर दे इसमें 2 कर दे तो कितना बन जाएगा, इज इक्वल टू 36 बन जाएगा। तो 36 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 9। तो यहां पर अपना आंसर दिस, यानी इस टाइप से हमें क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सोल्व करा दिया, थर्ड और सेकंड आपको सोल्व करना है। जो सोल्व करने का पैटर्न है, जैसे हमने फर्स्ट को सोल्व किया वैसे ही है, सिर्फ हमें जो भी डिविजिबल बाय गिवन है उसकी क्या है डेफिनेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए, उसके भी आप हम बता सकते हैं कि स्टार के प्लेस पे क्या आएगा। क्वेश्चन फिफ्थ, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन फिफ्थ में हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, जो भी पार्ट गिवन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 40, तो इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 40 के, 40 के हमें प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1। तो 40 के प्राइम फैक्टर क्या आए अपने पास, 2 × 2 × 2 × 5, दैट इज ए आंसर। यानी इस टाइप से हमें क्या करना है अपना सोल्व करना है। तो यहाँ पर अपना थर्ड है 81 के हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में प्राइम फैक्टर ऑफ 81 के हम प्राइम फैक्टर निकालें 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। तो 81 के प्राइम फैक्टर 3 × 3 × 3 × 3, दैट इज ए आंसर। यानी जो भी फैक्टर निकाले हम उसमें क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए सारे। तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है अपने पास 385, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 385 के हम निकालेंगे यहाँ पर। अब 2 से तो होगा नहीं, अब 5 से करके देखते हैं हम, 5 से होता है या नहीं होता है। तो 5 से करते हैं तो कितने पे जाएगा ये फर्स्ट टाइम, 7 जा पे, तो यहाँ पर बच जाएंगे 7 जा पे जाएगा। तो 35 में से हम 38 यानी 8 को माइनस करेंगे तो फिर किस पे जाएगा, 7 जा पे। अब 7 से 11 से 1, 5 × 7 × 11, दैट इज ए आंसर। इसका 7th पार्ट है 800। नेक्स्ट है 7 848, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 884 के। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे अपने 2 से 4 4 2, फिर 2 से 2 2 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब करेंगे 3 से 7 7, अब 7 से 11 आ जाएगा, 11 से 1। तो इसके प्राइम फैक्टर आए अपने पास 2 × 2 × 3 × 7 × 11, दैट इज ए आंसर। यानी फिफ्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है उनको इसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जो बच गए वो आपके लिए ट्राई हो सेल्फ। क्वेश्चन 6, कंप्लीट द फैक्टर ट्री फॉर ईच नंबर। यानी जो अपने पास इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, अपने पास 36 एक ट्री बना रखी है, इसको हमें कंप्लीट करना है फैक्टर जो भी गिवन है उसके भी यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं 36 के यहाँ पर क्या हुए, 2 फैक्टर हुए 4 और 9। अब हमें बनाने हैं 4 के, यानी हमसे किसके पूछे गए यहाँ पर 4 के, तो 4 के 2 × 2 फैक्टर होंगे। यहाँ पर 9 के पूछे हैं तो 9 के हो जाएंगे 3 × 3। ये क्या अपना आंसर। इस टाइप से हमें क्या करना है, जो अपने ट्री गिवन है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट को सोल्व करा दिया है, सेकंड पार्ट आपके लिए ट्राई हो सेल्फ है। क्वेश्चन 7, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर।
यदि यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर का, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या हो गया अपनी 9999। यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं वो किस किस के 9999 के, तो यहाँ पर हम निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट टाइम 3 से 3 3 3, फिर 3 से 1 1 1 1, फिर 11 से 1 0 1, फिर किस पे जाएगा 101 पे। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या है अपने पास 3 × 3 × 11 × 101, दैट इज ए आंसर। इसके बाद आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, वो आपके लिए ट्राई योरसेल्फ रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम न्यू एक्सरसाइज।